böyle devamlar gelmeye çalışalım. Hayırlısı olsun hepimiz için. Geldik vazifemizi yapmaya. अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, लेटेस्ट व्यूज़ चैनल में खुश आमदीद। तुर्की में आज वोटिंग की दूसरी बारी है, जिसके नतीजे सामने आने पर ये पता चलेगा कि तुर्की का अगला सदर कौन है। पिछली बार की तरह इस दफ़ा भी अदाकारों में सबसे पहले वही वोट कास्ट करने गए जो कि पिछली दफ़ा गए थे, जिनमें बुराक, हांदे, किवांच और उनकी बीवी और सेरेनाय सरिकाया वगैरह शामिल हैं। हांदे सबसे पहले अपनी बेस्ट विशेज जाहिर करती हैं कि उनके मुल्क के लिए जो बेहतर है वही हो। इसके बाद उनसे कांस फेस्टिवल का पूछा जाता है जो कि उन्होंने रिसेंटली अटेंड किया, तो वो बताती हैं कि वो बहुत अच्छा रहा। किवांच और उनकी बीवी भी अपनी बारी का मुकम्मल इंतजार करते हैं और फिर वोट कास्ट करके फौरन चले जाते हैं। इसके बाद रिपोर्टर्स बुराक से हंस के कहते हैं कि हम दो हफ्ते बाद फिर मिल गए हैं। बुराक भी आगे से यही कहते हैं कि हमारे लिए जो बेहतर है वही हो, हम तो अपना फर्ज पूरा करने आ गए हैं। ये रिपोर्टर फारिया का पूछते हैं तो वो मुस्कुरा कर कहती हैं कि वो अपनी बारी पर आएगी। कुत्सल गरे यार, देशेरे यानी कि जब वो घर जाएंगे तब वो वोट कास्ट करने आएंगी। बुराक और अश्विन सबके साथ बड़ी तसल्ली के साथ तस्वीरें बनवा कर अपना वोट कास्ट करने जाते हैं। इसके अलावा जो नई चीज हमें पता चली है वो ये है कि बुराक अश्विन और हांदी अर्चल का वोट एक ही जगह पर कास्ट होता है। कुछ ही देर में तुर्की का अगला सदर मुंतखब हो जाएगा। आपके ख्याल में कौन होगा, केमाल या अर्दुगान, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और आप सब स्टार्टिंग से किसको सपोर्ट कर रहे थे? मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।